में आजसू पार्टी की ओर से हरगड्डा के सामुदायिक भवन प्रांगण में सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 425 महिला और पुरुष, रिटायर सीसीएल शिक्षक, रेलवे और अन्य विभागों के कामगारों को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक सुनीता चौधरी की ओर से सम्मानित किया गया। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों की बदौलत ही हमारा देश का भविष्य जो है वो आगे बढ़ा है, इनके मार्गदर्शन से हमें आगे चलना है। दुमका के मसलिया प्रखंड के कटलिया पंचायत में बिजली कट जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहां मैया योजना के आवेदनकर्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों और प्रज्ञा केंद्र संचालक ने बताया कि पंचायत में जनरेटर तो है, लेकिन कोयला खराब हो जाने की वजह से ये जो बंद पड़ा हुआ है उसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लोगों ने पंचायत की मुखिया से वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। बहुत दिक्कत है, बहुत आदमी बैठे रहते हैं यहाँ लाइन के लिए, कम से कम भी कर दीजिए कुछ सरकार का इति में, और क्या बोलेगा इसी में, वही तो दिक्कत है। अभी बहुत आदमी बैठा है यहाँ, रजा होता है, रजा कटता है लाइन। जनरेटर तो वहाँ ही नहीं है, उसका जनरेटर लगता है खराब है। चाहते हैं वही तो जो लाइन के लिए सुविधा सब आदमी का हो जाने के बाद अच्छा रहेगा। नेपाल मंडल कटलिया का बहुत दिक्कत है, बहुत आदमी बैठे रहते हैं यहाँ लाइन के लिए, कम से कम भी कर दीजिए कुछ सरकार का इति में, और क्या बोलेगा इसी में, वही तो दिक्कत है। अभी बहुत आदमी बैठा है यहाँ, रजा होता है, रजा कटता है लाइन। दुमका के मसलिया प्रखंड के घुरमुंदनी कपस्सियों के बीच शीला नदी घाट पर पुल निर्माण की चिर प्रतीक्षित मांग अभी भी अधूरी है। यहां 3 दशकों से ग्रामीण पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में ना तो जनप्रतिनिधि ना ही किसी और की ओर से कोई पहल की गई है, और अब ग्रामीण मजबूर होकर एक बार फिर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुल बन जाने से लगभग 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में लगभग 10 किलोमीटर हम लोग का दूरी कम पड़ जाएगा, और राहगीरों को 10 किलोमीटर का बचत होगा। और हम लोग यहाँ सब्जी विक्रेता भी यहाँ से देवघर जाने के लिए, ये मेन रोड है, मेन रास्ता है, मेन रास्ता बना हुआ है, सिर्फ पुल की आवश्यकता है। पुल बन जाने से हम लोग का कम से कम 10 किलोमीटर की बचत है। पुल बन जाने से लगभग 5 किलोमीटर। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर पाकुड़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। विभिन्न मांगों को लेकर जिले के लगभग 45 अनुबंध कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे विभाग का कार्य भी प्रभावित हो सकता है। संघ के जिलाध्यक्ष समीर सिंह ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक हमारी मांगों पर पहल नहीं की गई है। अगर हमारी मांगों पर पहल नहीं की जाती है तो हमारा हड़ताल जारी रहेगा। वर्षों से पशुपालन विभाग के अंदर हम लोग यही कर्मचारी काम कर रहे हैं, और हम लोग को समय पे वेतन नहीं मिलता है, समय पे पेमेंट नहीं मिलता है, समय पे इंसेंटिव नहीं मिलता है, और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग से पशुपालन का जितना भी हॉस्पिटल से संबंधित जो भी काम है सब हम लोग से करवाया जाता है, उसका मेहनताना सही ढंग से हम लोग को सही समय पर नहीं मिलता है। उसको लेकर कई बार हम लोग पत्राचार किए, डीसी साहब महोदय, पशुपालन पदाधिकारी सर को भी दिए, इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री साहब को भी दिए। कई बार देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो आखिरी में हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पहुंचेंगे, और जब तक हम लोग का प्रदेश कमेटी तय नहीं करेगा तब तक हम लोग वापस काम पे लौटेंगे नहीं। वर्षों से